बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। YouTube की मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। मोनेटाइजेशन में पहले ये होता था कि हम लोग ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करते थे और हमारी जो वीडियो थी वो मोनेटाइज हो जाती थी, लेकिन अब YouTube ने कुछ चेक्स लगा दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हुई हैं कि आप अगर उन चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे तभी आपकी वीडियो जो है वो मोनेटाइज कंसिडर की जाएगी। जैसे कि अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ये देखें, ये मेरी मोनेटाइजेशन ऑफ है। इस वीडियो को मैंने अभी प्रॉपर अपलोड नहीं किया, तो इससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, जो यूट्यूबर हैं वो इसको लाजमी देखें, इसको स्किप ना कीजिएगा। और ये मोनेटाइजेशन की इस अपडेट को किस तरह आपने करना है, ये मोनेटाइजेशन आपने ऑन किस तरह करनी है, ऐसा ना हो कि आपका चैनल ही जाता रहे, तो इसके लिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मोनेटाइजेशन के ऊपर। ये देखिए, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, ऑन और ऑफ। मैं ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन बन जाएगा नेक्स्ट का। पहले ये होता था कि आपने डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है, ऑन कर देना, लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें, अब हमारे पास ये एक और चीज़ आ गई है। अब यूट्यूब हमारे पर हमसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, क्या आपकी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज तो नहीं है? अगर लैंग्वेज है तो हमें इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपका कंटेंट कैसा है, यूट्यूब ये पूछ रहा है आपको। ये सारी चीज़ें, कोई किसिंग वगैरह, रोमांस, सीनियर्स एट्सेट्रा तो नहीं है? अगर कोई आपका कॉन्टेंट जो अडल्ट है 18 साल से अबव के लिए, तो आपको इनमें से कोई एक चूज़ करके आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्टेंट बिल्कुल इससे वो इस्तेसना है, यानी कि इसमें ये कंटेंट आपका नहीं है, तो आप इसको आगे जाने दें। उसके बाद वायलेंस, यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि आप वायलेंस वगैरह इसमें नहीं दिखा सकते। उसके बाद शॉकिंग कंटेंट, आपका कंटेंट शॉकिंग तो नहीं है, हार्मफुल या फिर डेंजरस तो नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वो करें, ड्रग्स कॉन्टेंट तो नहीं है, हेटफुल कुछ स्पीच वगैरह तो नहीं है, नफरत फैलाने वाली। उसके बाद ये सारी चीज़ें, सेंसिटिव इवेंट्स, कंट्रोवर्शियल इशूज़, वो कह रहा है कि अगर आप इन सारों में से कोई एक इशू भी आप कैरी कर रहे हैं तो आप उनको सेलेक्ट करें, बताएं कि हमारा ये वाला इशू है, फिर हम लोग उस रिलेटेड इसके ऊपर एड्स चलानी है या फिर नहीं, फिर हम लोग ये फैसला करेंगे। अगर आप, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये नन ऑफ दी अबव लिखा हुआ है, आपने इसको चेक करना है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ आ गया है कि सेफ फॉर एड्स, कि ये आपका जो है ये बिल्कुल सेफ, जो एड्स के लिए सेफ है, आपकी एड्स जो इसके ऊपर शो हो सकती हैं। तो आपने इसको ऐसे करके, इसको ओके करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। याद रखें, सबमिट का बटन ये है, ये नीचे है, तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। ये मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब ये मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई। यानी कि ये स्टेप आपने लाजमी करना है, अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन में इशू आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें।